हेलो एवरीवन, दिस इज़ बीएस पुनीर योर फिजिक्स फैकल्टी और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल दून ट्यूटोरियल। तो बच्चों, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, तो एज ऑब्वियस है कि ये जो क्वेश्चन है ये है आपका रे ऑप्टिक्स का। इज दैट क्लियर? इस क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है? इस क्वेश्चन अगर आप गौर से देखें तो आपको एक कॉनकेव लेंस गिवन है बच्चों। इज दैट क्लियर? अगर कॉनकेव लेंस है तो उसकी फोकल लेंथ हमेशा क्या आएगी? नेगेटिव आएगी। तो इसकी फोकल लेंथ आपको बच्चों माइनस देखने को मिलेगी, ठीक है जी? तो नेगेटिव फोकल लेंथ है। अच्छा, सेकंड थिंग आपको पता है इसमें ऑब्जेक्ट साइड ऑब्जेक्ट होता है, उसी साइड आपकी इमेज बनती है। तो इसमें यू और वी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस दोनों ही नेगेटिव आपको देखने को मिलेंगे। तो यू को मैं मान लेता हूँ माइनस यू, तो वी भी आपको क्या मिलेगा बच्चों? इमेज डिस्टेंस भी मिलेगी आपको माइनस वी। इज दैट क्लियर? मतलब इस केस में फोकल लेंथ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस तीनों ही आपको नेगेटिव देखने को मिलेंगे। और सेकेंड थिंग इसमें जो आपको दे रखी है वो क्या दे रखी है कि भैया जो आपका इमेज की जो हाइट है वो कितना है? 1/x टाइम्स दी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो यहाँ से हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का रेशो बच्चों कितना आया? 1/x, राइट? इमेज की हाइट और ऑब्जेक्ट की हाइट का जो रेशो होता है उसको बोलते हैं मैग्निफिकेशन। इज दैट क्लियर? तो आपको पता है जो मैग्निफिकेशन का जो साइन होता है ना बच्चों, वो क्या शो करता है? नेचर ऑफ इमेज। आपको पता है यहाँ पर जो इमेज बन रही है, ये इमेज है, ये ऑब्जेक्ट है, इमेज आपकी बनेगी वर्चुअल, और वर्चुअल इमेज के लिए मैग्निफिकेशन जो होता है बच्चों पॉजिटिव होता है। क्या होता है? तो अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है तो समझ जाना वर्चुअल इमेज है, और अगर मैग्निफिकेशन नेगेटिव होती है तो समझ जाना रियल इमेज है। कॉनकेव लेंस है तो ऑब्वियसली बात है आपके पास एम क्या होते हैं, वर्चुअल इमेज बनेगी, तो एम आपको पॉजिटिव देखने को मिलेगा। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पर याद ध्यान रखना, ये आपका पॉजिटिव में आएगा 1/x, ठीक है जी? और जो मैग्निफिकेशन होता है ना बच्चों, मैग्निफिकेशन को हम क्या लिखते हैं? लेंस के केस में मैग्निफिकेशन होता है v/u ऑल्सो। तो v/u कितना है हमारे पास में, है ना? मैग्निफिकेशन ये है 1/x, तो इसको सॉल्व करेंगे तो u की वैल्यू हमारे पास में कितनी आ जाएगी? vx आ जाएगी। इज दैट क्लियर? अब हम यूज करेंगे लेंस इक्वेशन का। लेंस इक्वेशन अगर हम यूज करते हैं तो देखते हैं क्या मिलता है। तो फ्रॉम लेंस इक्वेशन आपको क्या मिलता है? लेंस इक्वेशन क्या है? 1/f होती है 1/v माइनस 1/u, ठीक है भाई? 1/f की f की जगह माइनस f, v की जगह क्या लिखेंगे हम लोग? माइनस वी, v की जगह माइनस वी, और u की जगह माइनस यू, 1/-u। अच्छा, और u की माइनस u, तो आपको ये कितना हो जाएगा बच्चों? 1/-f इक्वल्स टू 1/-1/v, ये हो जाएगा प्लस 1/u। सेकेंड थिंग, आपके पास में u की वैल्यू कितनी है? vx, तो u को मैं vx से रिप्लेस कर सकता हूँ यहाँ पर, तो मुझे क्या मिल जाएगा ये? तो ये मिल जाएगा आपका -1/f इक्वल्स टू -1/v प्लस 1/u। u की जगह मैं लिखूंगा vx, ये vx। इज दैट क्लियर? इसको सॉल्व करेंगे, इन दोनों में आपको क्या कॉमन है? ये माइनस साइन को उधर भेजने आप लोग, तो 1/f इक्वल्स टू ये हो जाएगा माइनस का 1/v हो जाएगा प्लस का 1/v -1/vx। इन दोनों में क्या कॉमन है? 1/v कॉमन है बच्चों, अंदर क्या बचेगा? 1-1/x आपको बचेगा, ये बचेगी आपके 1/f की वैल्यू, ठीक है भाई? तो यहाँ से v की वैल्यू कितनी आ जाएगी? v की वैल्यू आपके पास बच्चों कितनी आ जाएगी? ये v की वैल्यू आपके पास में आ जाएगी, ये आपके पास में f है, ठीक है ना? तो v आपका आ जाएगा f, इसको उधर ले आएंगे आप 1-1/x, जिसको मैं सिंपली क्या लिख सकता हूँ? f 1-x/x। तो ये हमारे पास में v की वैल्यू आ गई, पर हमें u की ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की वैल्यू फाइंड करनी है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपके पास में कितना है बच्चों? u है v इंटू एक्स, तो u कितना हो जाएगा? v इंटू एक्स, है ना? और v की वैल्यू कितनी है? f 1-x/x, ये है v की वैल्यू, इंटू में x है, है ना? ये v की वैल्यू, v की ये वैल्यू आपने यहाँ पुट करनी है इंटू एक्स, तो x आप x कैंसिल आउट हो जाएगा, तो u कितना आ जाएगा आपके पास में? f इंटू 1-x, राइट? तो आप देख सकते हैं बच्चों, आपके पास में जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आ रहा है वो f टाइम्स दी 1-x आपका आएगा। तो अकॉर्डिंगली आपका जो ऑप्शन नंबर 1 है वो करेक्ट आपकी चॉइस होनी चाहिए।